वेलकम फ्रेंड्स, आप हैं हमारे साथ नौकरी लगाओ चैनल पर और आज हम एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल की सीरीज़ में आपको बुकलेट 3 और 4 जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके बारे में आप ये वीडियो देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये पावर और एनर्जी से रिलेटेड है। तो आपसे मैं सबसे पहले कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब आप सभी जानते होंगे, आप सभी के घरों में यूज़ होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, कौन सी ज़्यादा रोशनी देगी? ओके, एक बल्ब है 100 वाट का या एक बल्ब है, हम यहाँ पे 80 वाट ले लिए, 80 वाट एक बल्ब हमारे पास 80 वाट का है और एक है 60 वाट का। हमारे पास दो बल्ब हैं तो इनमें से ज़्यादा रोशनी किससे मिल पाएगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यही सब जो अपने क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड ये पूरा वीडियो है। इसमें हम एकदम बेसिक से हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर होता क्या है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है कि यदि वोल्टेज सेम हो, अगर हमारे पास वोल्टेज सेम है, सेम वोल्टेज है और दो अलग अलग पावर रेटिंग के बल्ब हैं जैसे कि 200 वाट और 100 वाट, तो उनके रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बुकलेट 3 और 4 कंबाइंड वीडियो है। इसमें बुकलेट 3 हमने दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल पावर, टॉपिक क्या लिया हुआ इलेक्ट्रिकल पावर, और बुकलेट 4 इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए, इन दोनों ही टॉपिक्स के लिए मैंने आपको एक ही वीडियो दिया है, कंबाइंड वीडियो है ये। इसमें मैं आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, हमारे घरों में जो मीटर लगा होता है, किलोवाट आवर का, ठीक है, वो उनका नाम किलोवाट आवर से तो हम जानते नहीं, हम क्या समझते हैं कितने यूनिट बिजली जली है ना, कितनी यूनिट हमारा बिजली का कंजम्पशन है, जिसके हिसाब से हमें जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होती है वो हमें बिल करती है, हमें उतने पैसे भरने पड़ते हैं। तो हमारा जो एक यूनिट होता है फ्रेंड्स, एक यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर। इसके बारे में आप सभी को जानना चाहिए, आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं या नहीं हो। तो एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, और इस प्रति यूनिट पर हमें कुछ पैसे चुकाने पड़ते हैं, ये हमारा टैरिफ रेट होता है। टैरिफ किस चीज़ का? बिजली के कंजम्पशन का, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का चार्ज होता है, ठीक है। उसमें एक यूनिट होती है, एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। तो इसी 1 किलोवाट आवर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए हम थोड़े और डीप से इसको जानते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं और उन वीडियोज़ में मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो आप प्लीज़ देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंसेप्ट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ रजिस्टर। हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक वायर लिया हुआ है और उस वायर से दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जोड़ दिया है। एक हमारा पॉइंट ए है और यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी ए। सेकेंड हमारा पॉइंट बी है और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी बी, और इसके बीच जो वायर कनेक्टेड है उसका रेजिस्टेंस हो जाता है आर, कैपिटल आर। तब जो हमारे चार्ज हैं, जो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और उसके जस्ट अपोजिट हमारे करंट का फ्लो होता है, ठीक है। तो जब चार्जेस किसी एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल की तरफ मूव होती है, तब वो कुछ एनर्जी को लूज़ कर देती है, कुछ अपना पोटेंशियल एनर्जी लूज़ करती है। जैसे कि आप दो कंटेनर में पानी भर लीजिए अलग अलग लेवल्स पे, और उन दोनों कंटेनर्स के बीच से आप उसको पाइप के थ्रू जोड़ दीजिए। ऐसा करने पर आप थोड़ी देर में पाएंगे कि जिसका लेवल हाई है वहाँ से पानी बहकर कम लेवल वाले कंटेनर में आने लगता है। इसका मतलब जो पोटेंशियल या जो लेवल पहले था वो अब कम होके मेंटेन हो गया, दोनों पे लेवल क्या हो गया? बराबर हो गया। सेम कंसेप्ट यहाँ भी लागू होता है। ये अगर वी ए या पॉइंट ए का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है और बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है, तब उस केस में करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो जब करंट फ्लो होता है तो वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है भैया, ये हमारे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ आते हैं और करंट का डायरेक्शन जस्ट उसके अपोजिट होता है।
लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन या ये चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल की तरफ फ्लो होते हैं, तो ये अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या कहूँ मैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ कर जाते हैं। और यही एनर्जी किसे मिल जाती है? इस वायर के रेजिस्टेंस को मिल जाती है। और यही रेजिस्टेंस क्या करता है उस एनर्जी का, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम तो करता है, लेकिन वो क्या कर देता है, उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है या फिर ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो एनर्जी है वो कहाँ से, किस में, किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में रिसीव हुआ और आउट किससे हो गया, ये हीट के फॉर्म में आउट हो गया। तो ये रजिस्टर है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र कर देता है या कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों, हमारा बेसिक था इलेक्ट्रिकल एनर्जी को समझना। तो जब कभी भी किसी पॉइंट से या किसी पोटेंशियल पॉइंट से हमारा जो चार्ज है वो फ्लो होता है किसी दूसरे पॉइंट की तरफ, तो वो इस बीच में कुछ एनर्जी को लूज़ कर देता है, अपनी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ कर देता है। उसी एनर्जी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हम देते हैं वी आई इंटू टी से, और आई स्क्वायर आर इंटू टी एंड वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, जिसका यूनिट होता है जूल्स। अगर आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा तो उसमें होता है आई प्रोपोर्शनल टू वी, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो कहाँ से हटता है, वो लगता है कांस्टेंट आर की वजह से। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा आई प्रोपोर्शनल वी एंड आई आर इज इक्वल टू वी, सो वी इज इक्वल टू आई आर। अब ये जो फार्मूला आया इसको आप इसमें रख दीजिए, इस फार्मूले में, या तो V की जगह रखिए या I की जगह। V की जगह रखेंगे तो आई आर लिखना पड़ेगा, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बेसिक फार्मूले हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। और यूनिट क्या होती है इसकी, जूल में होती है। एनर्जी की यूनिट किस में होती है, जूल में होती है, या इसे क्या कह सकते हैं, वाट आर। ये आपको अभी नेक्स्ट में एक्सप्लेन करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, पावर इंटू टाइम। ये सारे बेसिक फार्मूले हैं, आपको पता होने चाहिए। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर का यूनिट होता है वाट में और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड में। सो वाट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एनर्जी, दैट इज ऑल्सो जूल। सो जूल का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल का यूनिट हो जाएगा वाट इंटू सेकेंड। ओके, अब इसकी कॉमर्शियल यूनिट है जो अभी मैंने बताई थी आपको, किलोवाट आर। किलोवाट आर किसकी कॉमर्शियल यूनिट है, एनर्जी की। किस एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या है, के डब्ल्यू एच। इसे ही क्या कहते हैं, एक यूनिट कहते हैं। इसका मतलब साफ है कि एक जूल एनर्जी, वन जूल एनर्जी इज कंज्यूम्ड when a device converts electrical energy to other forms like heat energy, light energy, etc. at a rate of 1 watt per second or 1 watt for a time of 1 second. Okay, so electrical energy क्या होती है, convert होती है किसी दूसरे form में, energy के किसी दूसरे form में convert होती है, या क्या होगी, transfer होगी किसी डिवाइस के थ्रू। डिवाइस क्या करेगा, उस एनर्जी के फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर देगा, मतलब कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, द यूनिट फॉर बिलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 1 kWh। इसका मतलब अगर आपके घर पे बिजली बिल आया है 100 यूनिट का, तो उसका मतलब क्या होगा कि आपने 100 kWh कंज्यूम कर लिया। और ये 100 kWh क्या चीज़ है, ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मेज़र है, है ना, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने मेज़र कर दी, उसका यूनिट क्या है, किलोवाट आर। चलिए दोस्तों, देखते हैं पावर का टॉपिक। इस पावर में इलेक्ट्रिकल पावर को हमने लिया हुआ है, छोटा सा फॉर्मूला है और छोटी सी डेफिनेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इस पे मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है, उसके बाद आपको ये कंसेप्ट बता रहा हूँ। पावर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। पावर जो है,
हम जनरली क्या समझते हैं पावर से? पावर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारे पास है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितने स्पीड से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है या ट्रांसफ़र हो रही है। पावर का मतलब होता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस रेट से, किस स्पीड से किसी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है या फिर ट्रांसफ़र हो रही है या ट्रांसफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जैसे हमारे पास एक बल्ब है, वो क्या है 100 वाट का है, और एक बल्ब है जो कि क्या है 10 वाट का है। तो पावर दोनों का अलग अलग है, 100 वाट मतलब ज़्यादा पावर और 10 वाट मतलब का कम पावर हो गया। ठीक है, तो जो 10 वाट वाला बल्ब है वो एनर्जी को किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बल्ब क्या करेगा, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, लाइट एंड हीट में कन्वर्ट करता है। तो उसका जो फास्टनेस होगा कन्वर्जन का या कन्वर्ट करने का, वो कम होगा किससे, 100 वाट के बल्ब से कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो 100 वाट के बल्ब से कम होगा। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, फिर से एक रिवाइज करा दूं आपको। इट इज़ द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, सो हमने एक सिंबल यूज़ किया है पी, ये किसके लिए यूज़ किया है, इलेक्ट्रिकल पावर के लिए। क्यू इंटू वी क्या है, क्यू इंटू वी क्या है, हमारा एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वी हमारा पोटेंशियल है एंड क्यू इज चार्ज, एन इंटू ई। अब यहाँ पे एक और फार्मूला हमको क्या पता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, सो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, यहाँ पे पुट कर दिया, फिर हमको क्या मिल गया, वी इंटू आई। यही वी इंटू आई जो फार्मूला है हम हमेशा यूज़ करते हैं, इसे मत भूलना, इसका डेरिवेशन कैसे होता है। सो पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, वी फॉर वोल्टेज, आई फॉर करंट, बाई ओम्स लॉ वी नो वी इज इक्वल टू आई आर, पुट आई स्क्वायर आर वी विल गेट वी स्क्वायर बाई आर, बोथ आर द फार्मूले ऑफ पावर। यूनिट क्या होता है इसका, वाट होता है, यूनिट क्या होगा, वाट होगा। ओके, या क्या कह सकते हैं इसे, वाट को जूल पर सेकेंड, क्योंकि एनर्जी बाई टाइम, जूल पर सेकेंड भी इसे कहा जा सकता है। और इसका एक और यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर, बिकॉज वी इज वोल्टेज, इसका यूनिट होता है वोल्ट, आई इज करेंट, एम्पियर, और एक्टिव, ये क्या है एक्टिव, इसे क्या कहते हैं, वी ए ए भी कहते हैं। तो ये हमारा एनर्जी और पावर का यहाँ पे वीडियो हमारा एंड होता है। आपको मैं फिर से वो क्वेश्चंस पे ले चलता हूँ जो हमने स्टार्टिंग में लिए थे। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज अ 80 वाट बल्ब गिव्स मोर लाइट देन अ 60 वाट बल्ब। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, पावर का मतलब होता है एनर्जी को कन्वर्ट करने का, एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइट एनर्जी में या हीट एनर्जी में हमें कन्वर्ट करना है, बल्ब वही काम करता है। तो जिसका पावर ज़्यादा होगा, जिसका पावर ज़्यादा होगा वो उतनी तेज़ी से कन्वर्ट कर देगा, उसे टाइम कम लगेगा, और जितना कम वाट का बल्ब होगा उसे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ग्लो कौन सा ज़्यादा करेगा, ज़्यादा पावर वाला बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, ज़्यादा पावर वाला बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। यहाँ पे आप दोस्तों ये देखना कि हम अभी सर्किट लॉज वगैरह को अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, तो अभी मैं जो पावर और एनर्जी का कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। अब इसके पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग या वोल्टेज के अकॉर्डिंग इसका कंसेप्ट थोड़ा सा डिफर कर जाएगा या इसका आंसर थोड़ा सा डिफर कर जाएगा, बट पावर और एनर्जी के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये क्वेश्चन लिया था। सो यहाँ पे आपके पास 80 वाट का एक बल्ब है और 60 वाट का एक बल्ब है। ठीक है, वाट मतलब कि होता है जूल पर सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड में 80 जूल पावर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इस बल्ब से, और 60 वाट वाले बल्ब से एक सेकेंड में 60 जूल एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी, ज़्यादा कन्वर्जन होगा एनर्जी का, वहाँ पे ज़्यादा लाइट एनर्जी होगी, और ज़्यादा लाइट एनर्जी होगी तो हमें ज़्यादा लाइट दिखेगा। ठीक है, या हमें ज़्यादा लाइट पता चलेगा वहाँ पे है। ठीक है, एकदम ईजी है, इसी कंसेप्ट से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट करिए, वी विल रिप्लाई इन 30 मिनट्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन, अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक बल्ब हमने ले लिए हैं, ठीक है, जो कि सेम वोल्टेज पे रेटेड है,
रेटेड मतलब उनको सेम वोल्टेज अप्लाई किया गया है, उनका जो एप्लीकेशन वोल्टेज है वो सेम है. पावर्स, लेकिन पावर डिफरेंट है, 200 वाट का एक और एक क्या है 100 वाट का. तो पावर सेम, पावर डिफरेंट है लेकिन वोल्टेज सेम है. तो हम क्या जानते हैं, अभी पढ़ा था हमने P इज इक्वल टू वी इन टू आई. सो V इज इक्वल टू क्या होता है, I इन टू आर. तो I इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर. सो V स्क्वायर बाई आर. ओके, सो R इज इक्वल टू P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर. सो R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P. तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, V स्क्वायर में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि दोनों ही बल्ब के लिए पावर की रेटिंग अलग अलग है, लेकिन लेकिन वोल्टेज की रेटिंग सेम है. तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास, P इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R. इसके बाद हम लिख सकते हैं आगे, P1 बाय P2 इज इक्वल टू आर टू बाई आर वन. सो हमारे पास पी टू क्या है, पी टू की वैल्यू क्या है, पी टू की वैल्यू है हमारे पास, पी टू इज, पी वन इज 200 एंड पी टू इज 100. सो आई विल पुट 100 हियर एंड पी वन इज 200 वॉट. सो आई विल पुट 200 here. So this will result in 2. Okay. So what will be your answer? R2 is equal to 2 into R1. This will be your answer. मतलब कि जो 100 वाट का बल्ब है उसका रेजिस्टेंस क्या, R2, 200 वाट के बल्ब के रेजिस्टेंस का दो गुना है. इसका मतलब ये समझ में आता है हमको कि जो ज़्यादा पावर रेटिंग का बल्ब होता है, अगर सेम वोल्टेज अप्लाई किया जाए तो जो ज़्यादा रेटिंग का जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा. किससे कम होगा, कम रेटिंग के, कम पावर रेटिंग के बल्ब से. ओके, इस तरीके से इसका आंसर हम समझ सकते हैं. तो आंसर ऑप्शंस में कौन सा होगा, ऑप्शंस में होगा ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ. हमारे अगले बुकलेट, हमारे अगले कंटेंट्स बहुत ही जल्दी अपलोड होंगे और आपको एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसमें कुछ कैश प्राइज भी आपको दिए जाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड, वॉच आवर वीडियोज, लर्न एंड ऑल्सो कमेंट इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स. ओके, थैंक यू. प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब.